सबको जय मसीह की। जैसा कि बाइबल में लिखा है, कोई भी जादुई शक्ति नहीं जो याकूब के लोगों को हरा सके। ये वचन इस भाई के जीवन में कैसे पूरा हुआ, आइए देखते हैं ये अद्भुत गवाही। ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रदर गगन है। गगन आपका नाम है? हाँ जी। और ये गवाही आपके ब्रदर की है जिसका नाम विनी है? हाँ जी ब्रदर। आपने बताया है कि इसकी जो उम्र है वो 15 साल की है और 2 साल पहले इन्हें दुष्ट आत्मा के अटैक होना शुरू हुए, इन पे किसी ने जादू टोना कर दिया था। तो आप इनकी गवाही को खुल के दें कि जब इन पे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे वो जादू टोना किस तरह से इनकी लाइफ पे इफेक्ट करता था। ब्रदर, जब एक दिन ना हम ये सो के उठा तो इसने मम्मा को बताया कि हम मुझे रात को ना सपना आया, जैसे कि मुर्दा लोग दिखते हैं, जले हुए लोग, गर्दन कटे हुए। तो ये कहने लगे, मुझे कह रहे थे भी मेरे साथ चलो। तो ये कह मम्मा ने मम्मा को बताया, कोई ना चले, ये हो जाता है कहीं बारी। तो ये सुबह उठा तो ये गेट के पास जब वॉशरूम जा रहा था तो वॉशरूम जाते जाते ना इसके सिर पे काले चने आए। तो फिर वो लगा किसी ने वैसे ही फेंक दिए होंगे। तो फिर उसके बाद इसके सिर पे फिर दोबारा से काली लाल मिर्च आई, नींबू, छुआरे, दाखे, पतासे, ऐसे सिर पे आने लग गए इसके। मतलब जितनी चीजें ये जादू टोने से रिलेटेड थी वो ऑटोमेटिकली इनके सिर पे आना शुरू हो जाती थी। हाँ जी ब्रदर, वो सारी चीजें आने लगी जो हमारे घर में भी नहीं थी ब्रदर, कि हमारे किचन में हो या कहीं रखी हो, वो भी नहीं थी परमेश्वर। ओके, ये आपकी किचन में भी चीजें नहीं प्रोवाइड होती थी तो भी ये इसके सिर के ऊपर आ जाती थी। हाँ जी ब्रदर। और रियलिटी में इनके सिर के ऊपर आ जाती थी। हाँ जी ब्रदर। तो आगे बताइए और इनके साथ क्या होता था। ब्रदर, इसके जैसे सिर पे आ जाती थी तो इसके अपने आप ही सिर पे आ जाते थे समान, बाल कटे, अपने आप ही बाल कटे जाते थे इसके, जो आईब्रो है अपनी आईब्रो अपने आप ही उड़ जाती थी इसके, तो कपड़े अपने आप गायब हो जाते थे, अपने आप चप्पलें इसकी गायब हो जाती थी। और इसके अगर हम कहीं जाते थे मोटरसाइकिल पे तो ये जो मोटरसाइकिल का साइलेंसर होता है उस पर पैर रख के आता था बिना चप्पल के, और वो कितना गर्म होता है आपको पता ही है। तो फिर इसके जैसे आराम आराम से हम चलो सोचने लगे कोई ना कुछ होता नहीं, तो हम अन्य जगहों पर जाने लगे। तो वहां से कभी कुछ कोई तागा तावीज पा के दे देता, इसके गले में पा देते थे, तो वो अपने आप ही गायब हो जाता था ब्रदर। ये अपनी गवाही को दे सकता है? हाँ जी ब्रदर। आप बताएं बेटा कि जब आप पे ये दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, आपने बताया कि अपने आप आपके धागे आपके गले में बन जाते थे लाल या वाइट कलर के, क्या होता था आपके साथ? ब्रदर, अपने आप में जब मम्मा पापा के बीच में बैठा होता था तो अपने आप मेरे गले में ना वाइट कलर के धागे, रेड कलर के धागे बन जाते थे जमा कस के, और ऐसे लगता था जैसे कोई पीछे से खींच रहा है उस धागे को। तो मम्मा पापा देखते थे ना, जब मम्मा पापा कहते थे ये कैसे बंध गया, ये क्या हो गया इसको, तो मम्मा पापा उसके धागे को खोल देते थे। तो ब्रदर, मेरे अपने आप आंखों में खून आता था, नाकों में खून, मुंह में से खून। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इस बच्चे की फोटो, जब वो जादू टोनों का अटैक इसके ऊपर होता था तो देख सकते हैं कि वो जो ब्लड इसकी आंखों से आता था, इसके मुंह से आता था। शैतान कितना घटिया है वो, कि वो बच्चों पे तरस तक नहीं खाता है। आप देखें कि क्या हालत की हुई थी शैतान ने। ये जब जादू टोना इसके ऊपर इफेक्ट करता था, इसकी आंखों से वो ब्लड निकलता था, आप देख सकते हैं इसके मुंह से वो ब्लड निकलता था। और बताएं बेटा आपके साथ क्या होता था? मेरे मौत की पर्ची आती थी, अपने कपड़ों में आ जाती थी, अपने आप ऐसे लिखा था तो उस पर भी नहीं, आज रात तेरी मौत, 12 बजे मौत। तो ब्रदर, मैं और भी डर जाता था, अंधेरे से मुझको डर लगता था, मुझे रात को सपने आते थे जब उसमें मम्मा पापा के रूप में मुझको दुष्ट आत्मा कहती थी भी, तू हमारे साथ चल, तू हमारा बेटा है, तू हमारे साथ चल, तू, मैं तुझे लेने आई हूँ। तो ब्रदर, मुझे जले हुए लोग, मरे हुए, गर्दन कटे हुए लोग दिखते थे। तो मैं ब्रदर 6 महीने से हम अपने घर में भी नहीं सोए थे ब्रदर, हम चाचू के घर में सोते थे हमारे ब्रदर। मतलब इतनी ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी आपकी, तो वो जो पर्चियां आपकी जेब में अपने आप ही आ जाती थी वो? हाँ जी ब्रदर, अपने आप आ जाती थी मौत की पर्ची। और क्या लिखा होता था उन पर्चियों के ऊपर? उन पे लिखा होता था ब्रदर, विनय, आज रात तेरी 12 बजे मौत, मेरी जन्म डेट ब्रदर। और आपने बताया कि हकीकत में भी ऐसा होता था कि आपके मुंह पे थप्पड़ के निशान होते थे, किसी ने मुक्के मारे होते थे? हाँ जी ब्रदर, मुझे अपने आप थप्पड़ लग जाते थे, मुक्के लगते थे ब्रदर, मैं बहुत वो होता था,
दर्द होता था मुझे जब मुक्के थप्पड़ लगते थे। अपना ब्रदर मुझे ना ऐसे लगता था जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है, मुझे आवाज़ देता था, दुष्ट आत्मा आवाज देती थी मम्मी पापा के रूप में। और आप उस समय स्टडी करते थे तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा आपकी पढ़ाई पे, आपकी स्टडी पे भी? ब्रदर मेरी स्टडी छूट गई थी, मेरी स्टडी में मुझे आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही थी ब्रदर, तो मैं स्कूल भी नहीं जाता था ब्रदर जब से मुझे जादू टोने का अटैक हुए थे। और आपने बताया कि आपने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर क्या कहते थे आपकी समस्या के बारे में? डॉक्टर देखते थे ब्रदर, कहते भी ये तो ठीक है, इसको तो कुछ नहीं हुआ, ये तो भी ऐसे ही है, इसको ना तो कुछ खून आया, टेस्ट करते थे कहते भी ये तो नॉर्मल है पूरा ही। डॉक्टरों के हिसाब से अगर आप पे दुष्टात्मा के अटैक हो रहे हैं, वो चाहे रिपोर्ट्स कर लें, चाहे आपको मेडिसिन दे दे, वो सिर्फ आपको डिप्रेशन की मेडिसिन दे सकते हैं, आपको स्लीपिंग पिल्स दे सकते हैं कि जिससे आपकी आपको अच्छी नींद आ सके, पर वो इसको ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर ये कोई मेडिकल रीजन नहीं है, ये स्पिरिचुअल रीजन है। वो जो बेटा आपके सामने अपनी टेस्टमनी को दे रहा है, वो जादू टोने के नीचे थे, वो तो ना तो रिपोर्ट्स में आ सकती थी, तो उसकी आंखों से जो ब्लड निकलता है, डॉक्टर बता रहे हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप बताएं कि फिर आपको खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर हमारे रिश्तेदार थे जो खामरा चर्च से जुड़े हुए, तो उन्होंने हमको बताया ब्रदर। और फिर उसके बाद आप खामरा चर्च में आए, लगातार आपने मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया और 26 सितंबर 2021 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए इस प्रार्थना को किया, ये एक दुष्ट आत्मा है, बोलो निकल आए, निकल जाए मेरे बच्चों से, फैमिली से, घराने से, कमांड करो। मैं वो मीटिंग को आते हुए देख रहा हूँ, बीमारियों को निकलता हुआ देख रहा हूँ, दुष्ट आत्मा को निकलते हुए देख रहा हूँ। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है, ये ब्लड नहीं, ये रोग है, ये बीमारी है, ये ब्लड नहीं, ये शैतान है। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, उसके दास की जोर से आपने तारीफ करनी है कि परमेश्वर ने अपने सच्चे दास को हमारे लिए खड़ा किया है इस पंजाब में, पूरे वर्ल्ड के लिए। सचमुच हम क्लोजली देखते अपने स्पिरिचुअल फादर को कि जो उनकी लाइफ पुलपट के ऊपर है, वही उनकी लाइफ उनके घर के घर में है। तो तारीफ करेंगे परमेश्वर के दास की, परमेश्वर की दासी की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की कि परमेश्वर ने हमें सच्चे दास के साथ ब्लेस किया है। ये हमारे लिए गिफ्ट है कि परमेश्वर ने हमें एक सच्चा चरवाहा, एक रियल प्रॉफिट हमारे बीच में दिया हुआ है। आमीन। तो बेटा आप बताएं कि जब आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया अपने लिए, तो क्या हुआ उस दिन आपकी बॉडी के अंदर? उस दिन मुझे ऐसे लगा कि कोई मुझे छोड़ के गया मेरे शरीर से कुछ, तो ब्रदर मुझे वोमिटिंग आई, तो ब्रदर मुझे ब्लड की जब वोमिटिंग आई ना, जब भी मुझे ऐसे लगा कोई मेरे शरीर से निकल के गया, तभी मुझे गवाही देने के लिए आया मैं ब्रदर। आप उसी टाइम गवाही देने के लिए भी आगे आए थे? हाँ जी ब्रदर। तो आइए पहले हम उस दिन की इनकी गवाही को भी देखते हैं। हालेलुया। अपोस्टल जी, इतनी बड़ी और बिग टेस्टमनी, अगर साइड पे इनकी फोटोज देखें तो इस बच्चे के 4 महीने से लगातार इनके मुंह से, इनके कानों से और इनके आईज से लगातार खून वाला ब्लड आता था, खून निकलता था। आप देख सकते हैं इनके साइड पे लगातार 4 महीने से, और मेडिसिन खा रहे थे, कोई आराम नहीं आ रहा था, और आज जैसे परमेश्वर के घर में आया अपोस्टल जी और इन पर प्रार्थना हुई है, वो खून बहना बंद हुआ जो लगातार 2-2 मिनट के बाद बह रहा था। कितने दिनों से, महीनों से आपके ये ब्लड बह रहा था? 4 मंथ। और कितनी कितनी देर बाद? 2-2 मिनट। और कहाँ कहाँ से बह रहा था? आईज, नेक और माउथ। और आप देख सकते हैं साइड पे वो खून बह रहा था इनके नाक से, मुंह से, आंखों से, इतनी बड़ी टेस्टमनी। और अभी का फेस देख सकते हैं, खुदा के आत्मा ने छुआ इंस्टेंटली, इतनी बड़ी बीमारी से इस बच्चे को हील किया। तारीफ करें हाथों को हिलाकर सबजन, सबजन जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए कि जो परमेश्वर ने इस बच्चे की लाइफ में काम किया है वो सचमुच बयान से बाहर है। हम उसे
शायद आज हम टेस्टमनी ले तो रहे हैं पर हम उसे बयान नहीं कर पा रहे हैं कि कितना बड़ा परमेश्वर ने इस बच्चे की लाइफ में काम किया है। तारीफ करेंगे जोर से इस प्रार्थना के लिए। आइए पहले हम फिर से उस प्रार्थना को देखते हैं जिस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने इस बच्चे को डिलीवर किया था। ये एक दुष्ट आत्मा है, बोलो निकल आए, निकल जाए मेरे बच्चों से, फैमिली से, घराने से, कमांड करो। मैं वोमिटिंग्स को आते हुए देख रहा हूँ, बीमारियों को निकलता हुआ देख रहा हूँ, दुष्ट आत्मा को निकलते हुए देख रहा हूँ। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है, ये ब्लड नहीं, ये रोग है, ये बीमारी है, ये ब्लड नहीं, ये शैतान है। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। अगर आपने ध्यान से इस प्रार्थना को देखा है तो वो जो ब्लड की वॉमिटिंग कर रहा है वो सेम यही बच्चा है जो आपके सामने बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में कि वो वही बच्चा है जो ब्लड की वॉमिटिंग कर रहा है। और जैसे ही इस बच्चे ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, सचमुच हमारा परमेश्वर महान है, उसने इस बच्चे की लाइफ में बड़ा काम किया, इस बच्चे को डिलीवर किया, हील किया। और आज ये बच्चा आपके सामने बैठा है अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही को लेके। इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। तो बेटा बताएं कि अब कितना समय हो चुका है, आप पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं? ब्रदर मुझे 2 साल से मैं पूरा हील हूँ ब्रदर। नहीं मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, ना मुझे सपने दिखते, ना ब्रदर मेरी मौत की पर्ची आती है, नहीं आंखों से ब्लड आता, ना नाक से, ना मुंह से ब्रदर। अब पूरी तरह से आप डिलीवर हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं ब्रदर। और जब ये दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, एक बार आप फिर से लोगों को बताएं कि उस समय आपके साथ क्या क्या होता था। आपने शॉर्ट में बताना है कि क्या क्या आपके साथ होता था उस समय ब्रदर। जब मैं सुबह उठा था ना तो ब्रदर मेरे ऊपर ना काले चने आए, तो ब्रदर मैंने मम्मी को बताया, भी मम्मी मेरे ऊपर ना काले चने आए। मम्मा ने कहा भी कोई नहीं है, मजाक में किसी ने घेर दिया होगा। मतलब आपके सिर के ऊपर वो जादू टोने की चीजें आनी शुरू हो जाती थी, वो जो पंजाबी में जिसे पतासे कहते हैं, काले चने कहते हैं, नींबू मिर्ची, ऐसी अपने आप ये चीजें आपके सिर पे आनी शुरू हो जाती थी। हाँ जी ब्रदर। और आपने बताया कि जब ये जादू टोने के अटैक होते थे आपके ऊपर, आपकी आंखों से ब्लड निकलता था, मुंह से ब्लड निकलता था, आपके गले में अपने आप धागे जो होते थे वो बंधने शुरू हो जाते थे, और आपकी जेब में से पर्चियां निकलती थी जिसपे लिखा होता था कि आज रात 12 बजे तेरी मौत हो जाएगी। तो शैतान ने तो आपकी जेब में एक पर्ची डाल दी जिसपे लिखा हुआ है कि आज तेरी मौत हो जाएगी, पर बाइबल बताती है कि तू ना मरेगा वरन जीवित रहेगा और सदा तू परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहेगा। आमीन। तो इस टेस्टमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की कि किस तरह परमेश्वर ने इस बच्चे को ब्लेस। ऐसी ही और अद्भुत गवाहियां और रोजाना वचन जीसस शॉर्ट्स वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल जीसस कलाम को सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की।